रामपुर नाम के गांव में राधा अपने पति सुभाष के साथ रहा करती थी। गरीबी के कारण उन्हें दो वक्त की रोटी भी बड़ी मेहनत से मिला करती थी। राधा और सुभाष दोनों भी मजदूरी का काम किया करते थे। शादी के एक साल बाद ही सुभाष ने दूसरी शादी कर ली और राधा को अकेले छोड़कर चला गया। ये देख राधा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राधा को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब उसके आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। उसका अब जीने का एक ही सहारा बचा था, वो था उसका आने वाला बच्चा। अब दूसरे ही दिन राधा मजदूरी का काम करने चली जाती है। सुभाष के चले जाने के बाद राधा अकेली हो चुकी थी। वह खुद ही अपना ख्याल रखा करती थी। एक दिन सुभाष के चाचा जी राधा के घर आकर, अरे राधा बेटी, कहाँ जा रही हो? चाचा जी, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर जाना तो पड़ेगा ही ना? हाँ मेरी बच्ची, लाओ वो थैलिया मैं लेता हूँ। ऐसा कहकर चाचा जी उसके हाथ की थैलिया ले लेते हैं और राधा को बाजार छोड़ देते हैं। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। राधा का नौवां महीना शुरू हो जाता है। एक दिन राधा की मौसी उसे काम करते देख, राधा नौवे महीने में तो आराम किया करो, चलो घर चलो। नहीं मौसी, आप तो जानती हो ना घर के हालात, मुझसे जब तक काम होता है तब तक मैं काम करूंगी। तू तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। अभी मैं घर जा रही हूँ, 15 दिन बाद वापस आऊंगी, तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है मौसी, जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ मेरी बच्ची, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मौसी गांव चली जाती है और इधर राधा काम पर हर रोज जाया करती थी। एक दिन रात के समय राधा के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। राधा सुभाष के चाचा जी को बुला लेती है। वो जल्द ही राधा के घर पहुंच जाते हैं। जल्दी से राधा को अस्पताल में भर्ती भी करवाते हैं। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर चाचा जी से, बधाई हो, आपको पोता हुआ है। थोड़ी ही देर बाद राधा को होश आता है और चाचा जी उसे खुशी खुशी अपने बेटे का मुंह दिखाते हैं। देखो राधा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। राधा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने सारे दुख दर्द वही भूल जाती है और अपने बच्चे की परवरिश करना शुरू करती है। कुछ दिन बीतने के बाद राधा अपने बेटे को अपने साथ लेकर ही काम पर जाती थी। जैसे जैसे सुधीर बड़ा होने लगा तो सारे बच्चों के साथ पिताजी को देखता तो अपनी माँ से, माँ मेरे पापा कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? अब राधा सुधीर को सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बेटे, तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है और इसीलिए वो हमसे मिलने नहीं आते, उन्होंने हमें छोड़ दिया है। ऐसा कहते ही राधा के आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वह आंसू देखकर सुधीर राधा से, रो मत माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। सुधीर की बातें सुन राधा अपने आंसू पोंछ लेती है और सुधीर को गले लगा लेती है। अब राधा सुधीर को स्कूल में भेजने का निर्णय लेती है और उसका दाखिला करवाती है। सुधीर पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, उसका पढ़ाई में हमेशा ही अव्वल नंबर आया करता था। सभी शिक्षक भी उस पर बहुत खुश थे। सुधीर को पहला नंबर आने के कारण स्कॉलरशिप भी मिली थी और ये देख राधा को बहुत खुशी मिला करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद सुधीर को अच्छे मार्क्स मिलने के कारण उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है। वहाँ सब अमीर लड़के पढ़ा करते थे, सबके पास गाड़ियाँ थी। ये देख सुधीर का दोस्त आनंद सुधीर से, अरे सुधीर, तू हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आता है, सब कुछ अच्छा है, मगर तेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, ये कितनी आश्चर्य की बात है। ये सुन सुधीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वह अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि, अरे तू क्या समझता है सिर्फ तेरे पास गाड़ी है, मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पर ही गाड़ी तोहफे में दी थी, मेरे पास भी गाड़ी है। ऐसा कहकर सुधीर वहाँ से चला जाता है। उसे अपने घर के हालात पता थे, लेकिन फिर भी अपने साथ पढ़ते बच्चों की शान और शौकत देख उसे भी मन ही मन लगने लगा था कि उनके जैसे कपड़े पहने, उनके जैसी गाड़ी उसके पास हो। घर जाकर सुधीर अपनी माँ से, माँ मुझे कल के कल ही बाइक चाहिए। अरे सुधीर, आज क्या हुआ है बेटा तुम्हें, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना अपनी हालत, अभी हमारे पास पैसे कहाँ है? थोड़े थे वो तो तुम्हारे एडमिशन में चले गए, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे वो कुछ पता नहीं माँ,
मुझे कल सुबह बाइक चाहिए बस। ऐसा कहकर सुधीर गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी राधा मन ही मन, सुधीर को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज तक मेरे बेटे ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है, मुझे उसे गाड़ी लेकर तो देनी ही होगी। ऐसा सोचकर राधा ने कुछ पैसे अपने सुख दुख के लिए जोड़े रखे थे, वो देखे उनमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। अब उसने गांव के सरपंच जी से मदद मांगने का विचार किया। राधा सरपंच जी से, मालिक मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, थोड़ी जरूरत है। कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें राधा? एक गाड़ी आ जाए उतने ही पैसे चाहिए थे। मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुकता कर दूंगी। गाड़ी सुधीर के लिए ठीक है, लेकिन राधा अगर नई गाड़ी लेने के बजाय तुम पुरानी गाड़ी खरीदोगी तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है मालिक, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? ऐसा कहकर सरपंच जी राधा के हाथों में पैसे रख देते हैं और उसे गाड़ी खरीदने में भी मदद कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह सुधीर उठते ही राधा उसके हाथों में गाड़ी की चाबी रख देती है। तभी सुधीर बहुत खुश हो जाता है और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। राधा सुधीर को खुश देख वो भी खुश हो जाती है। शाम के समय जब सुधीर कॉलेज से घर लौट रहा था, तभी बाइक का स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। जैसे ही चाचा जी को ये खबर मिलती है, वो राधा के पास जाकर, अरे राधा बिटिया कहाँ हो तुम? सुधीर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, चलो हमें जल्दी अस्पताल जाना चाहिए। ये सुन राधा जोर जोर से रोने लगी और भागते भागते अस्पताल में पहुंच जाती है। वहां जाते ही डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? एक्सीडेंट की वजह से सुधीर की एक आंख में गहरी चोट आई है, अब शायद ही सुधीर उस आंख से देख पाए। राधा ये बात सुन बहुत रोने लगती है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो उपाय होगा ना इस पर, प्लीज डॉक्टर मेरे बेटे की आंख को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई उन्हें आंख दान में दे तो पेशेंट फिर से देख सकता है। डॉक्टर मेरे बच्चे को मेरी आंख दे दीजिए, मैं तो एक आंख से अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मेरे बेटे के सामने उसकी सारी जिंदगी पड़ी हुई है, उसको तो अभी पढ़ाई भी पूरी करनी है, आप उसे मेरी आंख दे दीजिए। ठीक है जैसा आप चाहे। डॉक्टर मेरे बेटे को कभी मत बताना कि ये आंख मैंने उसे दी है। ठीक है। ऐसा कहकर राधा अपनी एक आंख सुधीर को दे देती है और खुद दो दिन बाद घर चली जाती है। सुधीर हर रोज अपनी माँ की हॉस्पिटल में राह देखता है, लेकिन वो उसे मिलने नहीं आती तो सुधीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे ही उसकी छुट्टी होती है वो घर जाता है और अपनी माँ से गुस्से में, अरे तुम कैसी माँ हो, एक दिन भी मिलने अपने बेटे से हॉस्पिटल में नहीं आई, और मेरी तबीयत कैसी है क्या है तुम्हें कुछ नहीं जानना था, भला हो उस औरत का जिसने मेरा बिल भर दिया। और दादाजी आते थे हॉस्पिटल में तो अच्छा लगता था, आपके बारे में पूछो तो कोई कुछ ना कहता। बेटे मेरी कुछ मजबूरी थी। आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी माँ, भगवान तो तुम्हारी जैसी माँ किसी को ना दे। सुधीर इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं, उसकी ओर देखे बिना ही वो शहर चला गया अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए। राधा की आंख में से आंसू निकलने लगे, वो इतनी जोर जोर से रोने लगी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी सरपंच जी पैसे मांगने वहां आते हैं। राधा मेरे पैसे कब लौटाने वाली हो? सरपंच जी मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, मुझ अभागी पर इतनी दया कर दीजिए। ठीक है मैं तुम्हें एक महीने की और मोहलत देता हूँ। धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। ये सारी बातें सुधीर को पता ही नहीं थी कि आखिर उसकी माँ ने उसके बचपन से लेकर आज तक उसके लिए क्या किया है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब सुधीर अफसर बन गया था, लेकिन अपनी माँ पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि अपनी माँ से एक बार भी नहीं मिलने आया था। राधा पर मजदूरी करके सरपंच जी के पैसे लौटाने की नौबत आ गई थी। अब राधा बहुत थक चुकी है। एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि उसका लाडला बेटा एक अफसर बन गया है और सरपंच जी ने उसे अपने गांव बुलाया है। वह दौड़कर वहां चली जाती है।
वहां जाते ही राधा मन ही मन, कितने साल बीत गए, अब मेरे बेटे का गुस्सा भी चला गया होगा। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा आज कि उसका यहाँ गौरव किया जाने वाला है। सुधीर बहुत बड़ी गाड़ी में से अपनी पत्नी के साथ नीचे उतरता है। ये देख राधा चौंक जाती है। वो अपनी माँ को देख उसे नजरअंदाज करता है और अपने दादाजी से, दादाजी आप कैसे हो, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा। और ये क्या बेटा, तुमने शादी की और हमें बताया भी नहीं? सुधीर मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। तभी राधा उससे बात करने के लिए आगे जाती है तो सुधीर सरपंच जी के साथ स्टेज पर चला जाता है। ये देख राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपना बेटा इतना बड़ा अफसर बना है ये देख मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। ये सारी बातें चाचा जी दूर से देख रहे थे। और कुछ वक्त बाद चाचा जी सुधीर से, सुधीर कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है क्या? वो मेरी माँ कहने के लायक नहीं है दादाजी। वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। भला ऐसी कोई माँ होती है? सुधीर कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है क्या? वो कितने दिन से तुम्हारी राह देख रही थी दादाजी। उसके लिए तो मैं हॉस्पिटल में ही मर गया था, जहाँ वो मुझे देखने तक नहीं आई। ये सुन राधा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चाचा जी सुधीर को एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और सारी हकीकत बताते हैं। सुधीर राधा तुमसे मिलने नहीं आ पाई क्योंकि उसने तुम्हें अपनी आँख डोनेट की थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो तुम जिंदगी भर के लिए एक आँख से अंधे हो जाते। ऐसी माँ नसीब वालों को मिलती है सुधीर, तुम्हें तो इसकी कोई कदर नहीं है। कभी अपनी माँ से पूछा कि आखिर उसके आँख को क्या हुआ है? सुधीर चाचा जी की बातें सुनकर चौंक जाता है और भागते हुए अपने माँ के पास आता है। अपने माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है। सुधीर की आंखों में आंसू देख राधा उसे माफ कर देती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। सच्चाई पता न हो तो उन्हें कभी भी हमारे शब्दों से दुखाना नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में माँ का स्थान अमूल्य होता है।